नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर ने यहाँ पर जो यूटीबी संविदा आधारित जो भर्ती थी पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें यहाँ पर जीएनएम और एलटी का रिजल्ट जो है यहाँ पर जारी कर दिया है। 29 अक्टूबर 2020 के माध्यम से एक कार्यालय आदेश जारी किया है, जिसमें श्रीमान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक P1 /Group 2/2020 दिनांक 24 सितंबर 2020 के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को पेनेडेमिक घोषित करने तथा इस संदर्भ में स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में विभागीय आदेश 30 मार्च 2020 की पालना में राजकीय डेडिकेटेड अस्पताल अलवर के लिए 30 जीएनएम को विभाग के आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2014 9 नवंबर 2017 में निर्धारित शर्तों पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से यूटीबी आधार पर एनएचएम द्वारा पूर्व निर्धारित दरों पर कोरोना वायरस के नियंत्रण तक भरे जाने की यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके अनुसरण में जिला स्वास्थ्य समिति अलवर द्वारा निम्न अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट, अलवर जो संविदा आधारित जो भर्ती है, यूटीबी आधारित जो भर्ती है, उसका यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो जीएनएम के पद थे उन पर किस किस अभ्यर्थी का यहाँ पर चयन हुआ है वो आप आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें सीरियल नंबर, इसके अलावा अभ्यर्थी का नाम, फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सिलेक्शन कैटेगरी यानी कि कौन सी कैटेगरी में यहाँ पर चयन किया गया, सारा सब कुछ डेटा आपके सामने मैं एक एक करके प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चल सके कि किस किस अभ्यर्थी के यहाँ पर चयन हुआ है। मैं बता दूं, जो यूटीबी संविदा आधारित जो भर्ती है, इसमें जो मानदेय है वो जीएनएम का 7,900 रुपए रखा गया है एनएचएम के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर 13 जो कैंडिडेट हैं उनका जनरल कैटेगरी के अंतर्गत चयन हुआ है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो या जनरल से, इनका जनरल कैटेगरी के अंतर्गत चयन किया गया है। इसके अलावा 14 से लेकर 19 तक जो अभ्यर्थी हैं उनका ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत चयन किया गया है। इसके अलावा बाद में 20 नंबर से लेकर यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंतर्गत चयन हुआ है। तो दोस्तों, 20 नंबर से लेकर यहाँ पर 23 नंबर तक एससी कैटेगरी के कैंडिडेट, और जो आप देख सकते हैं 24 से लेकर 26 तक एसटी के, इसके अलावा 27, 28 और 29 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट, और 30 नंबर का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एमबीसी के अंतर्गत सेलेक्ट हुआ है। तो टोटल 30 जो पैरामेडिकल स्टाफ है जीएनएम की जो भर्ती है उनका यहाँ पर चयन किया गया है। और मैं बता दूं दोस्तों, इन जो अभ्यर्थियों का जो चयन है वो निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया गया है। शर्तें कौन सी रहेगी? पहली जो कंडीशन है कि चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थी राज्य सरकार के किसी भी प्रकार के नियोजन का अधिकारी नहीं होगा और ना ही किसी प्रशासनिक खामी और जुडिशियल रिलीफ का अधिकारी होगा। कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है दिनांक 8/4/2003 के अनुसार, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हो तो सेवा में पात्र नहीं होगा। इस संबंध में 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा विवाह में दहेज न लेने न देने का यहाँ पर शपथ पत्र पेश करना होगा। अभ्यर्थी का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही जो स्वास्थ्य का जो प्रमाण पत्र है संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी से प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा कार्मिक विभाग के जो परिपत्र है, सर्कुलर नंबर जो सर्कुलर है 4/2013 के अनुसार, अभ्यर्थी का द्वारा धूम्रपान गुटखा सेवन नहीं करने की अंडरटेकिंग यहाँ पर दी जाएगी। उक्त जीएनएम की नियुक्तियां कोरोना वायरस के नियंत्रण तक ही मान्य होगी। चयनित जीएनएम को दिनांक
5 नवंबर 2020 तक मूल दस्तावेजों सहित इस कार्यालय में कार्य ग्रहण करना अनिवार्य है। इसके पश्चात ये आदेश जो है मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, जो 30 कैंडिडेट जिनका चयन हुआ है, इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो 5 नवंबर रखी गई है। 5 नवंबर तक आप यहाँ पर सीएमएचओ के अंतर्गत कार्य ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कार्य ग्रहण का मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 30 जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन यहाँ पर जीएनएम पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में यूटीबी संविदा आधारित है संविदा पर किया गया है। जो सीएमएचओ अलवर है उन्होंने यहाँ पर आदेश निकाल दिया आदेश। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने यहाँ पर 30 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए आदेश जारी कर दिया है। राजकीय डेडिकेटेड अस्पताल अलवर के लिए 30 पैरामेडिकल स्टाफ जीएनएम को यहाँ पर यूटीबी संविदा आधारित इनका चयन किया गया है। और जो चयन है वो जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से एनएचएम द्वारा पूर्व निर्धारित मानदेय जो है लगभग 7,900 रुपए पर इनका चयन किया गया है। तो दोस्तों लिस्ट में आप अपना नाम यहाँ पर आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो स्क्रॉल करते हुए आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राज